नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रुड़की में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने एक 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया। एसपी देहात हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वादिया ने कहा कि उसकी 6 साल की बच्ची और उसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि रुड़की सिविल अस्पताल में बच्ची और उसकी मां का उपचार चल रहा है। बच्ची की हालत अभी स्थिर है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आरोपी अज्ञात है और उन तक पहुंचने के लिए गठित की गई 4 टीमें भरसक प्रयास कर रही हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। लाइन कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक वादिया द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उसकी बिटिया के साथ और उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तत्काल मौके संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग इसमें वेयरबॉट्स हैं सारी चीज़ों को हम लोग पता लगा रहे हैं। ये लड़की कलियर, ये महिला जो है कलियर से चली थी, तो जिस व्यक्ति के साथ ये वहाँ से चली थी, जिस व्यक्ति के साथ ये इसने आगे जाना बताया है, कुछ नाम सामने आए हैं, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर रही है और जल्दी ही इसका पटाक्षेप करेंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी तो हम लोग अभी जो महिला है उसके बयानों के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नाम अभियुक्तों के नाम हैं वो अभी अज्ञात में ही रखे गए हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए जो हमारी टीमें हैं वो सर्कल अफसर जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं और जल्दी इसमें हम रिजल्ट देंगे। मुकदमा तो कल रात ही दर्ज कर लिया गया था और पॉक्सो के 376 का पॉक्सो के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है और बच्ची की हालत अभी ठीक है और बाकी जो भी पुलिस से इस संबंध में कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।